हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको अपडेट दूंगा गोदरेज प्रॉपर्टी की और गोदरेज डेवलपर के भी प्लॉट की। और आज लोकेशन गुड़गांव की नहीं रहेगी, आज लोकेशन रहेगी मुंबई की। मुंबई के पास में एक लोकेशन सुनी होगी आपने, जैसे कि एक खपोली लोकेशन है। इसकी डिस्टेंस की बात करता हूँ तो नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से तकरीबन 30 मिनट ड्राइव पे जो हमारा मुंबई और पुणे हाईवे है, उस हाईवे से 10 मिनट के ड्राइव पे ये लोकेशन पड़ जाएगी। बड़ी प्यारी लोकेशन है। तो यहाँ पे जो है गोदरेज डेवलपर ने अभी 400 एकड़ लैंड ली है जिसपे प्लॉटिंग काटने वाले हैं और फेस वन की प्लॉटिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बातें करेंगे। तो गोदरेज डेवलपर ने यहाँ पे 400 एकड़ लैंड ली है। आज कनेक्टिविटी, प्लॉट साइज क्या है, प्राइस क्या है और एक्स्ट्रा चीज़ें प्लॉटिंग में क्या क्या आ रही हैं और पेमेंट प्लान क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बताई, नवी मुंबई का जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम टूवर्ड चलेंगे पुणे और मुंबई हाईवे पे और उसी हाईवे से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे हमारी लोकेशन आ जाएगी खपोली। तो खपोली के अंदर गोदरेज ने 400 एकड़ लैंड ली है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और 400 एकड़ लैंड के जो है लगभग 4 से 5 फेस में प्लॉटिंग लॉन्च करेंगे। अभी जो प्लॉटिंग लॉन्च कर रहे हैं गोदरेज डेवलपर, वो कर रहे हैं 82 एकड़ लैंड के ऊपर प्लॉटिंग लॉन्चिंग कर रहे हैं। और इसका रेट क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइस के बारे में जान लेते हैं, फिर प्लॉट साइज के बारे में जान लेते हैं। तो जो प्राइस रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट प्राइस, 54,000 रुपये पर गज प्लॉट का रेट रहेगा। और 1, 2, 3 ये मास्टर स्ट्रोक में बताने वाला हूँ। सेकंड पे जो अंदर के रोड रहेंगे वो हमारे मिनिमम 12 मीटर 18 मीटर ये रोड रहेंगे, ये दीनदयाल नहीं है, ये जनरली हमारे प्लॉट रहेंगे। और जो प्लॉट साइज रहेगा वो रहेगा हमारा 133 स्क्वायर यार्ड से लगा के 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट रहेंगे यहाँ पे, जो प्लॉट के साइज हैं। और जो मैंने कहा मास्टर स्ट्रोक, सेकंड मास्टर स्ट्रोक ये रहेगा, प्रयास ये लगाए जा रहे हैं इसमें कि जो पेमेंट प्लान रहने वाला है वो रहने वाला है 25 आपको विद इन 3 मंथ देना है और 75% आपको पजेशन पे देना है। और जैसे कि अभी प्राइज है केवल 54,000 रुपये गज का जो है यहाँ पे प्राइज है। और इसमें जैसे कि मैंने तीसरा मास्टर स्ट्रोक बताया, तीसरा मास्टर स्ट्रोक ये रहेगा, यदि अभी आप EOI देते हैं, यानी कि आज तारीख में बैठे हम 4 तारीख के अंदर बैठे हैं, यदि 19 तारीख तक आप EOI देते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। मोटी मोटी मैं बात करूं, यानी कि आपका सपोज डेट के साढ़े मतलब 10% यानी कि 55 लाख रुपए का प्लॉट है आपका, तो 5.5 लाख रुपए का सीधा सीधा आपको बेनिफिट मिल जाता है। और बात करता हूं यहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो पूरा ऑपरेशन है, जैसे कि स्कूल है या हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन है और रोड ऑपरेशन है। लेकिन बड़ी जो डेवलपमेंट होती है, जैसे कि हम गुड़गांव के अंदर जनरली चीज़ें देखते हैं, टेक्निकल चीज़ें आनी है, तो इन चीज़ों में आने में अभी टाइम है। यदि आप इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो, यदि मैं आपको 54,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट बताया है तो डेवलपमेंट आने में बहुत टाइम है। तो इसका बेनिफिट आप ये उठा सकते हैं जो मैंने आपको पेमेंट प्लान बताया कि 25% अभी देना है और अपना 75% आपको पजेशन पे देना है, तो इस पेमेंट प्लान का आप बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। और सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 फेस में लॉन्च करेंगे डेवलपर इस प्रोजेक्ट को, यानी कि यदि फेस वन की बात करता हूँ, फेस वन आज हमारा 54,000 रुपये पर गज पे मिल रहा है और फिर जो हमारा फेस 4 या फेस 5 के जो प्लॉट आएंगे तो वहां तक पहुंचते 20 से 25,000 रुपये का एप्रिसिएशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। बड़ा डेवलपर है और डेवलपमेंट आते 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 ये रेट कहीं ना कहीं बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी गोदरेज की। यदि आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं, बहुत कम टाइम में जो है बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि मैं प्लॉट की बात करता हूँ, जैसे मैं गुड़गांव से ही कंपेयर करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम गुड़गांव के अंदर ही काम करते हैं, सेक्टर 92 के अंदर गार्डन सिटी DLF की प्लॉटिंग थी 2011 के अंदर, DLF ने लॉन्च करी थी, तकरीबन 32 से 35,000 रुपये गज का रेट मिलता था और प्लॉट साइज जो होता था 240 स्क्वायर यार्ड से लगा के 700 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट थे, यानी कि तब ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, न्यू गुड़गांव भी मेन गुड़गांव से बहुत ज़्यादा दूर लगता था। आज जो है 1,70,000 रुपये का जो रेट है 240 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का है,
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न आया, और पेमेंट प्लान भी तब डीएलएफ का बहुत अच्छा था। यही चीज़ें यहाँ का सेम सीन था। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि सेम डीएलएफ की बात करता हूँ तो पंचकुला में भी सेम सिचुएशन थी जो डीएलएफ 92 गार्डन सिटी की थी, गार्डन वैली पंचकुला की थी। तो ये सेम टाइम पे ही दो टाउनशिप थी, दो सिटी के अंदर, गुड़गांव और पंचकुला के अंदर। सेम इसी सीरीज के अंदर जो सेम स्टेप पे जो है गोदरेज भी लेके आ रहा है। डेवलपमेंट आसपास में अभी जो है बहुत कम है, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि मुंबई की बात करते हो तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। तो आप ये यदि मैं मेन सेंटर की बात करता हूँ तो बहुत तगड़ा रेट है, मतलब रेट की तो बात छोड़ो, चीज़ें ही नहीं मिलती हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, सेम नंबर पे हमें कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। और जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, 19 तारीख तक के यहाँ पे ईयूआई देने के बेनिफिट है, उन बेनिफिट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको हमारे द्वारा ये जानकारी कैसी लगी, और गोदरेज की प्लॉटिंग पे क्या एप्रिसिएशन आएगा या नहीं आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय श्री।